अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेल क्या है और सेल थ्योरी क्या है। ये जो साइटोप्लाज्म है ये दो वर्ड से बना है, एक है साइटो, साइटो का माना है सेल, और प्लाज्म का माना है प्लोइड। यानी साइटोप्लाज्म का माना हो गया कि ये है सेल प्लोइड, ठीक है। या कहते हैं इसके डिफिनेशन के हवाले से, इट इज़ अ विस्कस ट्रांसलूसेंट, यानी ये जो साइटोप्लाज्म है इसके जो प्लोइड है वो क्या है, वो गाढ़ा है, ठीक है। विस्कस के माना है गाढ़ा, ट्रांसलूसेंट यानी क्या है, ये ट्रांसलूसेंट यानी इससे जो है लाइट पास होता है, ठीक है। एंड एक्वियस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म लाइनिंग बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के दरमियान है, यानी ये हमारे साथ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारे साथ क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, ये सेल है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे जो जितना फासला है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये वाला एरिया जितना भी है ना, ये वाला एरिया जितना भी है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना फासला है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म की डिफिनीशन। अब हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म में कितने पार्ट्स है। ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें हमारे पास टोटल चार पार्ट्स है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में है टोटल फोर पार्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है कि इसमें क्या है, साइटोसोल है, और दूसरा जो है वो इनसॉल्युबल पार्ट है, ऑर्गेनिल है, और चौथे नंबर पर है साइटोस्केलेटन। ये जो ये चार पार्ट्स जो है ये साइटोप्लाज्म की मेन फोर पार्ट्स है, ठीक है। इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं इसके पार्ट्स को, कि ये जो हमने चार पार्ट्स डिस्कस किया, अब जो है हम नंबर वाइज जो है एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पर हमने यहाँ जो है पढ़ा कि साइटोसोल, ये जो साइटोसोल है इसको हम सॉल्युबल पार्ट भी कहते हैं, यानी साइटोसोल को हम सॉल्युबल पार्ट भी कहते हैं। और ये जो सॉल्युबल पार्ट है इसमें 90% हमारे पास क्या है, वाटर है, और 10% जो है वो बायो मॉलिक्यूल है, ठीक है। यानी जो साइटोसोल है इसमें वाटर है, ठीक है, 90% इसमें वाटर है, और 10% जो है बायो मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये जो बायो मॉलिक्यूल है इसमें हमारे साथ क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। ट्रू ये जो बायो मॉलिक्यूल है ये हमारे साथ सॉल्युबल पार्ट में 10% है, और इसके जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है इसमें है होमोजीनियस, ठीक है, ये वाले जो होते हैं ना ये हो गए होमोजीनियस, और ये जो लार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है ये हमारे साथ क्या है, ये है हेटरोजीनियस, ठीक है। ये जो हेटरोजीनियस है, और ये जो ट्रू सॉल्यूशन है ये होमोजीनियस है, ठीक है। फिर इसके जो लार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है ये फिर जो है दो हिस्सों में है, इसको हम कहते हैं विस्कस जेल, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन विस्कस, यानी ये जो वाटर है ना नॉन विस्कस, ये जो है वो नरम होगा, ये क्या होगा, नरम होगा, यानी ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, ठीक है। यानी ये जो है इसको हम विस्कस नहीं कह सकते, और ये जो विस्कस जेल है इसको ये जो है ये गाढ़ा होगा, ठीक है। तो हम विस्कस जेल है वो कहाँ मौजूद होगा, वो मौजूद होगा पेरिफेरी ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है ना ये यहाँ जो है ये पेरिफेरी साइटोप्लाज्म जो है ये वाला जगह जो होती है इसमें मौजूद होगा, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो है ये वाला हिस्सा यहाँ जो है क्या मौजूद होगा, यहाँ मौजूद होगा विस्कस जेल। हमने डिफिनीशन में कहा था कि इसमें क्या है, विस्कस है, तो विस्कस है ना ये क्या होगा, पेरिफेरी ऑफ साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा, ठीक है। इसके बाद है नॉन विस्कस, ये जो नॉन विस्कस है ना वो सोल है, ठीक है। ये जो है वो नरम होगा, और ये जो विस्कस जेल है वो नरम नहीं होगा, यानी वो गाढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद है इनसॉल्युबल पार्ट, पहले नंबर पर हमने सॉल्युबल पार्ट को डिस्कस किया, सॉल्युबल पार्ट को, और अब जो है हम डिस्कस करते हैं इनसॉल्युबल पार्ट, या जो है दूसरे नंबर पर मैंने ऑर्गेनिल लिखा है, लेकिन हम ये तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे, ठीक है, कि सीरियल में आ जाए सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल में जो है एक स्टोरेज है, और दूसरा जो है वो है वास प्रोडक्ट, यानी स्टोरेज क्या है, स्टोरेज में हमारे पास ग्लाइकोजन है और स्टार्च है, ये चीज़ें जो है वो सेल में स्टोर होते हैं, ठीक है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये क्या है, ये है यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड जो है ये जो वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिक एसिड होते हैं वो इनसॉल्युबल पार्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी इनसॉल्युबल पार्ट में स्टोरेज में क्या है, ग्लाइकोजन और स्टार्च है, वेस्ट प्रोडक्ट में क्या है, यूरिक एसिड है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्गेनिल में, यानी साइटोप्लाज्म में जितने ऑर्गेनिल होते हैं, यानी हमने यहाँ लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है एक स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, फिर जो है एक रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकांड्रिया होगा, गाल्जी बॉडी होगा, और ऐसे लाइसोसोम, राइबोसोम,
जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है या नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, ये और जो है सारे के सारे कहाँ मौजूद हो गए, साइटोप्लाज्म में मौजूद हो गए। और ये जो ऑर्गेनेल है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिटल ऑर्गेनेल। ये जो ऑर्गेनेल है इसको हम कहते हैं लिटल ऑर्गेनेल। ये है सबसेलुलर साइटोप्लाज्मिक बॉडी। ये जो है ये सबसेलुलर साइटोप्लाज्मिक बॉडी है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, माइटोकांड्रिया, ये माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडीज, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे। चौथे नंबर पर हम डिस्कस करते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का माने क्या है? साइटोस्केलेटन यानी सेल का ढांचा, यानी हमारा जो बॉडी है इसको, इसमें भी एक स्केलेटन है, यानी हमारा जो बोन है ना, हमारे बॉडी का स्केलेटन है, ठीक है। यानी हमारे बॉडी का जो ढांचा है वो किससे बना है? बोन से बना है। तो यह जो सेल का ढांचा है वो तीन चीज़ों से बना है। एक में है माइक्रोपिलामेंट, दूसरा है इंटरमीडिएट पिलामेंट, और तीसरा क्या है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। ये तीन चीज़ें जो है इसे क्या बना है, सेल का जो ढांचा है, साइटोस्केलेटन है, वो बना है माइक्रोपिलामेंट से, इंटरमीडिएट पिलामेंट से और माइक्रोट्यूब्यूल से। इन तीनों से क्या बना है, सेल का ढांचा बना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास साइटोप्लाज्म के पार्ट्स। अब हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या है। तो फंक्शन के हवाले से हम बात करते हैं, तो इसके जो फंक्शन है वो है स्टोरेज हाउस फॉर द यूजफुल सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म में जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो उसकी क्या है, उसकी स्टोरेज करते हैं, ठीक है। जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं इसके क्या है, स्टोरेज हाउस है साइटोप्लाज्म, उसकी स्टोरेज हाउस है। मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस, यानी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होगा। यानी ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोमीन, ग्लूकोज, लाइसिसमीन, इसके जो ब्रेक डाउन होता है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ये रिस्पायरेशन, ये जो है रिस्पायरेशन में एक फेमस प्रोसेस होता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म करता है, ठीक है। तीन नंबर पे है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज इन बेस, यानी जितने भी प्रोटीन जो है बनते हैं सेल में वो कहाँ बनेंगे, वो जो है साइटोप्लाज्म में बनेंगे। यानी यह जो है हम आने वाले लेक्चर में जो है मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल को भी पढ़ेंगे। इसमें है एक राइबोसोम, ठीक है। ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, तो ये राइबोसोम कहाँ मौजूद होता है, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्म हमारे साथ क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, यानी राइबोसोम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और राइबोसोम कहाँ मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, ठीक है। और चौथे नंबर पे है सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर ऑर्गेनेल, जितने भी ऑर्गेनेल जो है साइटोप्लाज्म में रहते हैं उसके लिए साइटोप्लाज्म इसके लिए एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्ट्रीम लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रीम लाइक स्ट्रक्चर या वेव लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल जो है इसकी मूवमेंट करते हैं, साइक्लोसिस जो है वो मूवमेंट करता है। साइटोप्लाज्म में जो है एक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है स्ट्रीम लाइक और वेव लाइक जो है मूवमेंट करता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो करता है साइक्लोसिस। तो ये तो आज का लेक्चर साइटोप्लाज्म के हवाले से, और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चरों में हम जो है साइटोप्लाज्म के जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है और जितने नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो आज का लेक्चर, अब लेता हूँ इजाज़त।